हेलो फ्रेंड, देखते हैं नेचुरल गैस स्पेशली नेट गैस मिनी कैसे परफॉर्म कर रही है। ज़बरदस्त फॉर्मेशन रहा एंगल्फिंग पैटर्न होते हुए। उसके पहले वीकली में जो हमने देखा था उसको कंडीशन को आप देखते हो तो नेगेटिव पैटर्न था। नेगेटिव पैटर्न में 2 दिन में ज़बरदस्त फॉर्मेशन रहा है। आप अगर अमेरिकन मार्केट को भी देखेंगे, हम इंडियन मार्केट को भी देखेंगे। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पज़। यहाँ रेगुलर विषय अपडेट आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है डेली में हम इसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, लेवल जो हमारे लिए बना हुआ था ये देखेंगे, यहाँ पे लेवल लगभग इंगल्फ किया प्रीवियस डे पे, और उससे पहले क्या था, ये नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे वीकली बना रखा। आप वीकली में इसको कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। ये अमेरिकन मार्केट का हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ में मॉर्निंग की कंडीशन क्या थी हमारे लिए, 2.52, ये इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद में अब इसके लिए धीरे धीरे अगर क्लोजिंग इस रेंज में कर देता तो फर्दर इसका फॉलो अप डाउन साइड आएगा। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन आप देखते हो 4 आवर में भी, तो ऑलरेडी इसने फर्स्ट टारगेट अपना हिट कर दिया है। ज़बरदस्त गिरावट है, रुक रुक के मार्केट डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, और साथ में EMA 22 का भी अगर जो हम यूज़ कर रहे हैं दोनों में इससे डाउन साइड का मार्केट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। सेकेंड, अगर आप आवर्ली में देखते हो तो आवर्ली में मार्केट जब ये रेंज बनाता है उसके बाद में ब्रेकडाउन करता है, उससे ज़बरदस्त फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे इतनी गिरावट होने के बाद में दोबारा से छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है, फिर फॉर्मेशन करता है, तो हमारे लिए बेटर सिचुएशन बनती हुई देखने को मिलेगी। अब इस बिहाफ पे जैसे हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट में गिरावट है, इंडियन मार्केट क्या कर रहा है, इंडियन मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अगर इसमें आवर्ली में आप देखते हो तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या थी, मार्केट गैप डाउन किया। ये हो सकता है जिन्होंने पोजीशन बना रखी उनके साथ होगा, अदरवाइज मार्केट में पकड़ पाना इजी नहीं था। उसके बाद ये रेंज बनाता है, जब ये डाउन साइड ब्रेक करता है, क्योंकि मेजर ट्रेंड जो हमने देखा था वो एज इट इज नेगेटिव बना हुआ था, तो मेजर ट्रेंड के साथ हमें जाना होता है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है ऑलरेडी 209 210 के आसपास हमने देखा था, इसे लो का फॉर्मेशन किया है, 211.4 का लो बनाया हुआ है, और आज से लगभग अगर आप देखते हो तो वो 220 से 211 लगभग 10 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट स्पेशली आज हो चुकी है। अगर आप एक लॉट से भी ट्राई कर रहे होंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 250 कर लेंगे तो वो 2500 पॉइंट का एक है। परसेंटेज वाइज आप देखते हो तो वो 4 से 5% की अच्छी गिरावट होती हुई आज देखने को मिली है। अब इस बिहाफ पे जो मार्केट के लिए कंडीशन नेक्स्ट बनती है, अब यहाँ पे अगर फर्दर गिरावट करना है, एज इट इज गिरावट का रेंज बना हुआ है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताए और रुके तो जो 209 210 के आसपास हमारे लिए टारगेट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए रहेगा। क्योंकि मार्केट जब भी रुका है उसके बाद फॉलो पाया है, यहाँ पे बड़ी गिरावट के बाद में मार्केट रुक रहा है, रुकने के बाद में फर्दर मूवमेंट इसके ऊपर इंपॉर्टेंट कंडीशन डिसाइड करेगा, जो इसके लिए 209 210 के आसपास इंपॉर्टेंट जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ सडन रिवर्सल होता है तो उस केस में हम जस्ट वेट करेंगे। मार्केट में जब तक कि रेंज बना के ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक मार्केट में आपको अलर्ट में बने रहना होगा। जैसे अगर आप देखते हो 210 से लेकर 212 के बीच में अगर ये एक दिन बिता देता है तभी यहाँ पे अच्छे मूवमेंट आपको फर्दर देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज मार्केट तब तक डाउन ट्रेंड का ही बनता हुआ देखने को मिलेगा। डेली में भी अगर आप देख रहे हो कंटिन्यूएशन में पैटर्न, अगर प्रीवियस डे में देखते हो तो लगभग इसे इंगल्फ किया है, थोड़ा ओपनिंग हायर साइड हुई थी बट कंडीशन यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया और फर्दर मोमेंटम बनाया डाउन साइड के लिए। तो स्पेशली फॉर जब वीकली कंडीशन थी मेजर ट्रेंड था उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों कंडीशन को आप देखते हो तो अभी भी मार्केट के लिए थोड़ा अलर्ट लेवल ही बना हुआ है। देखते हैं फ्रेंड्स क्या कंडीशन रहती, क्या फॉलो होता हुआ ये दोबारा से ये 209-10 के आसपास आता है, उसके बाद में अगर दोबारा से प्राइस पैटर्न डाउन साइड आता है तो यहाँ पे 200 का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से सडन रिवर्सल के लिए अभी हम प्लान नहीं करेंगे मार्केट के लिए जब तक कि थोड़ा टाइम नहीं बिताता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है। अगर यहाँ पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो ये रिवर्स ट्रेंड है, जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में जाएगा, और उसके अगेंस्ट में जाने में मार्केट में जनरली आपको पनिशमेंट ही मिलती है। तो मार्केट रुकने देते हैं बायर्स के लिए, सेलर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करे और रैली एंजॉय करे, 210 तक तो इसको आना चाहिए, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट मोमेंटम कैसे हो सकता है। थैंक यू।